कोट लखपत जेल में मौत की सजा पाए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर 2013 में हुए जानलेवा हमले के आरोपियों में से एक आमिर तांबा की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया समा अखबार के अनुसार दो अज्ञात मोटरसाइकिल चालक आमिर तांबा के घर में घुसे और उस पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का हवाला देते हुए अखबार ने लिखा कि आमिर तांबा को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंचे हैं और हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी की गई है। आपको बता दें कि आमिर तांबा और सह आरोपी मुद्दसर को लाहौर जिला और सत्र न्यायालय ने सरबजीत सिंह की हत्या के मामले में दोनों को बरी कर दिया था। पंजाब के निवासी सरबजीत सिंह को जासूसी के आरोप और 1990 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बम विस्फोटों में कम से कम 14 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। इस दावे का उनके परिवार और भारतीय अधिकारियों ने खंडन किया था। सरबजीत सिंह के परिवार का दावा है कि वे खेती के दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा पार कर गए थे। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में किसी अज्ञात हमलावरों ने आतंकवादी को मार गिराया है। इससे पहले दाऊद मलिक को उत्तर वजीरिस्तान में अज्ञात लोगों ने मार गिराया था।